अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। मैं इस टाइम नॉर्वे से बात कर रहा हूँ। अच्छा यार, आप सारों से बात ये करनी थी कि आज सारा दिन मैं देखता रहा हूँ मैसेजेस और स्टेटस लोगों के फेसबुक पे वैलेंटाइंस डे के हवाले से, तो उसी हवाले से बात करना चाह रहा था। ये जो हमने फॉलो किया हुआ है ना, ये 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को, तो जिनको हमने फॉलो किया हुआ है ना, यकीन करें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा कि वो इसको सेलिब्रेट कर रहा हो, या मार्केट्स को देखा हो कि वहाँ पे फूल लगे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, स्पेसिफिकली लोग जो है ना इसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने स्टेटस देखे हैं सारे, और पाकिस्तान में ये देखा है सारा कुछ, तो यकीन करें बड़ा। और सबसे जो मेरे लिए हैरानकुन बात थी वो ये थी कि मैं एक स्टेटस देख रहा था, तो मेरा एक गोरा दोस्त जो है, जो यहाँ का रहने वाला है, उसने मेरे से एक अजीब सा सवाल किया। जब ये उसने स्टेटस उसने मैं देख रहा था किसी एक दोस्त का, तो उसने कहा जी कि इज़ पाकिस्तान नॉट एन इस्लामिक कंट्री? तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मेरे जहन में फ़ौरन वही आया था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो खुदा रहा यार, इस चीज़ से बाज रहो। ये जो फूल शूल देने हैं ना, इसके बदले आप लोग पता क्या करो, इसके बदले जो तुर्की में जलजिला आया है उसमें थोड़ा बहुत चंदा दे दो। दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाएगी, और इनका मुंह में कुछ भी नहीं रखा। इसलिए ना यार, ओके कहते ना भाई, जानदी करो, नहीं चंगा लगता है सारा कुछ ना। इतने जड़े बंदियां आप फॉलो कर रहे हैं वो भी एक काम नहीं करते थे, आप उन्होंने तो भी दो हाथ अगे निकल गए हैं, तो जल्दी करो यार। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा। وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا।